हेलो एवरीवन। सो इन दिस सेशन वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द मैरिज, कि मैरिज जो है उसकी डेफिनेशन और यूनिवर्सैलिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज, एंड ये हम इसी सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। एंड सबसे पहले हमारे सामने मुद्दा आता है मैरिज का, राइट? क्या मैरिज को डिफाइन किया जा सकता है? मैरिज की कोई डेफिनेशन है? मैरिज की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा है, या वर्ल्ड के अंदर कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो एक कल्चर के लिए जो डेफिनेशन है वो सेकंड कल्चर के लिए कंपैटिबल नहीं होती, वो थर्ड कल्चर के लिए कंपैटिबल नहीं आती। तो कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है, यूनिवर्सल डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्या हैं? ह्यूमंस। हम हर वो काम करते हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो हमने भी कोशिश की, और कोशिश करने के अंदर हमारे कुछ स्कॉलर्स सामने आए, जिनके कुछ के मत एक दूसरे के समान थे, कुछ के अलग थे। तो जिनके समान थे उन्हें एक प्रॉपर स्कूल का नाम दे दिया गया, और जिनके अलग थे उन्हें दूसरे स्कूल का नाम दे दिया गया। उसी तरह मैरिज को डिफाइन करने के लिए तीन स्कूल्स हमारे सामने आते हैं। पहला स्कूल है लेजिटिमेसी स्कूल, लेजिटिमेसी स्कूल। सेकेंड स्कूल हमारा आता है यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन, यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन। और थर्ड स्कूल हमारे सामने आता है मॉडर्न स्कूल, मॉडर्न स्कूल। बात करेंगे लेजिटिमेसी स्कूल की। लेजिटिमेट मतलब वैधता प्रदान करना। कौन वैधता प्रदान करता है? सोसाइटी। सोसाइटी प्रोवाइड द लेजिटिमेसी। तो हमारे इसमें कुछ थिंकर्स हैं, तो वी विल गोइंग टू लर्न देम। फर्स्ट हमारे थिंकर हैं जो लेजिटिमेसी स्कूल से थे, वेस्टमार्क, वेस्टमार्क। इन्होंने क्या बोला कि ये डिफाइंड मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, ये डिफाइंड मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन वेयर वन मैन मैरी वन और मोर वुमेन, एक या उससे ज्यादा, वन और मोर वुमेन एंड चाइल्ड बोर्न एज वेल एज पार्टनर्स, एज वेल एज पार्टनर्स हैव राइट ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन टू फॉलो। सिंपल, कि मैरिज एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जिसमें एक मैन मैरी करता है, शादी करता है एक या एक से ज्यादा औरतों के साथ, और जो बच्चे होते हैं और उनके जो आपस में पार्टनर्स हैं उनके पास राइट ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं टू फॉलो। ये हमारे वेस्टमार्क जी ने बोला। दूसरे हमारे जो स्कॉलर हैं उनका नाम है आर सी ब्राउन, रेड क्लिफ ब्राउन। इन्होंने बोला मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। इन्होंने बोला मैरिज इज अ रिलेशनशिप विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द सोसाइटी, जो सोसाइटी के द्वारा प्रोहिबिट नहीं की जाती है, ऐसे रिलेशनशिप को हम मैरिज बोलते हैं। थर्ड है हमारे मेलिनोस्की। मेलिनोस्की क्या कहते हैं हमें मैरिज के बारे में? ही सेज दैट मैरिज इज अ वन विच प्रोवाइड्स, ये क्या है, ये बोलते हैं मैरिज इज अ प्रोवाइडर, आई एम अ राइडर प्रोवाइडर। तो मेलिनोस्की बोलते हैं कि मैरिज इज अ प्रोवाइडर, किसको प्रोवाइड करवाता है? वुमेन को प्रोवाइड करवाता है एक सोशली रिकॉग्नाइज्ड हस्बैंड, वुमेन को प्रोवाइड करवाता है सोशली रिकॉग्नाइज्ड हस्बैंड। और जो चाइल्ड हैं उन्हें क्या प्रोवाइड करवाता है? सोशली रिकॉग्नाइज्ड फादर, उन्हें रिकॉग्नाइज करवाता सोशली रिकॉग्नाइज्ड फादर। सिंपल। तो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि एक मेल को क्या मिलता है इससे, तो कोई बात नहीं। सो ये इन तीनों के व्यू पॉइंट थे लेजिटिमेसी स्कूल में। लेकिन अब इनका क्रिटिसिज्म भी आएगा, ठीक है? क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के अंदर क्या है? पहला क्रिटिसिज्म ये कहता है हमें, नुएर्स इन अफ्रीका, नुएर जो ट्राइब है, नुएर अफ्रीका के अंदर ट्राइब है, वहां पे क्या होता है, वुमेन वुमेन मैरिज होती है। तो इन्होंने बोला कि वुमेन, जहाँ पे एक मेल मैरी करता है वुमेन से, इनकी डेफिनेशन गलत हो गई। एक वुमेन को प्रोवाइड करता है सोशली रिकॉग्नाइज्ड हस्बैंड, मतलब यहाँ तो वुमेन वुमेन हो गई, ये भी हो गई, रिलेशनशिप विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द सोसाइटी। अब ये इनकी सोसाइटी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन किसी और सोसाइटी के हिसाब से ये चीज़ गलत है, होमोसेक्सुअल मैरिज गलत है। तो ये न्यूर इन अफ्रीका, ये क्या है भाई, मैरिज है या नहीं है बताओ? मैरिज है। नेक्स्ट जमैकन नीग्रोस, जमैकन नीग्रोस।
इनमें क्या होता है, कौन कुंभिनेज, कौन कुंभिनेज, कौन कुंभिनेज मीन्स लिव इन, जो लिव इन होती है उसे कौन कुंभिनेज बोलते हैं, और जमैकन निग्रोज के अंदर होती है। अब एक सोसाइटी के हिसाब से मैरिज है, दूसरी के हिसाब से मैरिज नहीं है, तो क्रिटिसिज्म हो गया इनकी डेफिनेशंस का। थर्ड है यूथ डॉर्मेटरीज, थर्ड है यूथ डॉर्मेटरी, यूथ डॉर्मेटरीज होती हैं, वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट देम लेटर। ये किस किस ट्राइब के अंदर होती हैं, जैसे कि मारिया, गोंड और मसई, इन ट्राइब्स के अंदर यूथ डॉर्मेटरी होती है, तो ये भी इनकी इन डेफिनेशन के अगेंस्ट में जाती है। और इरावा, इरावा जो ट्राइब है केरला में, ठीक है, इरावा जो ट्राइब है केरला में, वहां पे ट्रेडिशन होता है लिटिल हस्बैंड का। सो ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स, ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ये इनकी डेफिनेशन के अगेंस्ट में जाते हैं लेजिटिमेसी स्कूल की में। सो दिस इज द थिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन। इस स्कूल को प्रपोज करने वाले हमारे सेलिगमैन, सेलिगमैन ने बोला कि मैरिज इज अ यूनियन बिटवीन द मैन एंड वुमेन, राइट। तो इनके भी अपोजर हैं, क्रिटिसाइजर हैं, इनके क्रिटिसाइजर कौन है, प्रिंस पीटर। प्रिंस पीटर क्या बोलते हैं हमें कि देखिए, हम रोल परफॉर्मेंस से जो है, रोल परफॉर्मेंस से हम डिफाइन तो कर नहीं सकते, लेकिन रोल परफॉर्मेंस से हम एक मैरिज के बारे में जान सकते हैं कि मैरिज है क्या। और इसको समझने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया नीलगिरी हिल्स तिब्बत, इनका इन्होंने एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट इनके जो क्रिटिसाइजर हैं वो हैं एडमंड लीच। एडमंड लीच ये बोलते हैं कि सिर्फ रोल परफॉर्मेंस ही नहीं, हम देखेंगे कि उसके फंक्शंस क्या हैं मैरिज के, मैरिज के फंक्शंस। इन्होंने बताया कि मैरिज के तीन फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट बायोफिजिकल, बायोफिजिकल, फिजिकल, ओ माय गॉड, बायो फिजिकल, सेकंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, और थर्ड है बायोफिजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड द थर्ड वन इज द ऑब्लिगेशन टुवर्ड चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन की तरफ ऑब्लिगेशन होता है, ये फॉलो करने फंक्शंस है ना, कि ये सिर्फ एक तरह का यूनियन है, इसके अंदर फंक्शंस भी परफॉर्म होते हैं। प्रिंस पीटर ने बोला ये रोल परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, राइट। एंड नाउ द थर्ड स्कूल, थर्ड स्कूल क्या है हमारा, मॉडर्न स्कूल। मॉडर्न स्कूल में हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स हैं स्कॉलर्स के, वो है कैथलीन, KATHLEEN, कैथलीन गो, और दूसरे हैं हमारे इरावती कार्वे। कैथलीन गो हमें क्या बताती हैं कि मैरिज एज अ रिलेशनशिप, इन्होंने बताया मैरिज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वन वुमेन, एक वुमेन एंड वन और मोर पर्सन। यहाँ पे उन्होंने वुमेन को प्रायोरिटी दी है, एक वुमेन, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं है, कि रिलेशनशिप बिटवीन वन वुमेन एंड वन और मोर पर्सन एंड द चाइल्ड बॉर्न, उनसे जो चाइल्ड बॉर्न होएगा, चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ सच सिचुएशन, उस सिचुएशन से जो चाइल्ड बॉर्न होगा इज नॉट प्रोहिबिटेड, उसको प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा, इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग एक्सेप्टेड, फ्रॉम बीइंग एक्सेप्टेड, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, एंड एलोकेशन ऑफ राइट्स, जो भी उस बच्चे के राइट्स होंगे वो उसे प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ नॉर्मल मेंबर ऑफ सोसाइटी। इन्होंने ये कहा कि एक रिलेशनशिप होता है एक वुमेन और एक और उससे ज्यादा पर्सन्स के बीच में, और जो बच्चा पैदा होता है उसे ना ही प्रोहिबिट किया जाएगा, उसे राइट्स का एलोकेशन किया जाएगा, और उसे एज अ नॉर्मल मेंबर ऑफ सोसाइटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मैरिज, ठीक है। लेकिन इनके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, वो क्या है,
अजांडे, अजांडे ट्राइब्स है अफ्रीका के अंदर, इसमें होमोसेक्सुअल मैरिजेस होती हैं, होमोसेक्सुअल मैरिजेस। तो यहां पे क्या बात हुई, होमोसेक्सुअल मतलब मेल प्लस मेल। अब ये मैरिज हो गई, तो क्या ये कैथलिन गो की डेफिनेशन को अप्रूव करती है? नहीं। तो इस हिसाब से ये क्या मैरिज नहीं है? नहीं। लेकिन क्या रियल में मैरिज है? उनकी उनकी सोसाइटी के हिसाब से ये मैरिज है, तो इनकी डेफिनेशन यहाँ पे आके इतनी ज्यादा कामगार नहीं बचती। इरावती कारवे, इरावती कारवे क्या कहती हैं, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि मैरिज क्या है। मैरिज एक तरह की सेरेमनीज टाइप की होती हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने स्टडी किया संबंधम को, संबंधम और तल्लीकट्टू। तालीकट्टू एक तरह की सेरेमनी होती है जिसके अंदर नेकलेस पहनाया जाता है एक हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को, और उसके बाद संबंधम के अंदर फॉर्मल गिव एंड टेक होता है क्लॉथ्स का। तो फर्स्ट ये परफॉर्म की जाती है, सेकंड संबंधम परफॉर्म किया जाता है। लेकिन उन्होंने बोला कि एक तरह की सेरेमनी टाइप है, अगर वो सेरेमनी होती है तो वो हम उसे मैरिज मानेंगे। तो ये इरावती कारवे जी ने कहा। लेकिन रियल में इसकी अप्रोच कहाँ पे लेके जाएंगे हम इसको, ठीक है? करंट रेलेवेंस क्या है हमें, करंट रेलेवेंस। सो द थर्ड वन कंसेप्ट इज द करंट रेलेवेंस। देखिए एंथ्रोपोलॉजी का सबसे पहला मकसद ये है कि ये आपको एमिक अप्रोच दिखाता है। एमिक अप्रोच, एमिक अप्रोच का क्या मतलब है, अगर आप एक पर्सन की आई साइट से देख रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन की अगर आप आई साइट से देख रहे हैं पूरे समाज को, ठीक, तो उसमें आप जजमेंटल हो जाएंगे। जजमेंटल, आप उनके नजरिए से नहीं देखेंगे, आप अपने नजरिए से किसी भी चीज को देखेंगे। सो दिस शुड नॉट बी द प्रोस्पेक्टिव। हमें क्या करना है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एमिक अप्रोच मतलब इनके बीच के एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनना है, और जो ये रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं या जो इनकी मान्यताएं हैं, वी हैव टू थिंक फ्रॉम देयर प्रोस्पेक्टिव, एंड दिस इज नोन एज द एमिक अप्रोच। तो करंट रेलिवेंस में क्या है, देखिए करंट रेलिवेंस ये है, हमें मैरिज को डिफाइन भी नहीं करना। जैसे कि आजकल क्या चीज है, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या उसको हम मैरिज की डेफिनेशन में डाल सकते हैं? नहीं भी और हाँ भी। तो हमें डेफिनेशन तो दे ही नहीं रहे हैं, तो हमें सिर्फ उसकी उपयोगिता देख रहे हैं यहाँ पे। तो लिव इन रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। LGBTQ, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस, ये आजकल प्रचलन में बहुत ज्यादा चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, कि भाई हम अगर इफ दिस कंडीशन विल बी फॉलोड, और तब तक हम हस्बैंड वाइफ रहेंगे, उसके बाद आवर मैरिज विल गोइंग टू बी डिसॉल्व। तो और उसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस भी आजकल काफी ज्यादा प्रचलन में चल रही है। तो हमें इनको डिफाइन नहीं करना है, वी हैव टू सी द एमिक अप्रोच। अगर हम एमिक अप्रोच से देखेंगे तो हम इनकी नीड्स और जो सोसाइटी का ट्रेंड है हम उसे देख पाएंगे, एक इंडिविजुअल के परस्पेक्टिव से भी और एक सोशल परस्पेक्टिव से भी, राइट। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन, और इसकी यूनिवर्सैलिटी क्या है, हम इसे क्या यूनिवर्सली अप्लीकेबल कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर हमें एंड में रिजल्ट लिखना हो, कंक्लूजन हमें लिखना पड़ता है आंसर के एंड में, तो हम वहां लिखेंगे कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है, नाम से तो पता चल रहा है कि हम दो कल्चर को रिलेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि एक कल्चर को उसी के प्रस्पेक्टिव से देखेंगे, उसे कि उसी के प्रस्पेक्टिव से हम उसे देखेंगे, और ताकि हम नॉन जजमेंटल रहें, नॉन जजमेंटल हम उस चीज के अंदर रहें, ठीक है। और हमें इस तरीके से कल्चरल रिलेटिविज्म की अप्रोच अपनानी चाहिए, एमिक की अप्रोच अपनानी चाहिए, एमिक अप्रोच, ठीक है, एमिक अप्रोच हमें अपनानी है। और इसी के साथ हम अपनी सोसाइटी, एक इंडिविजुअल की बातों को समझ सकते हैं और प्रोग्रेस पे लेके जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड कंक्लूड द आंसर, राइट। तो ये तो था हमारी मैरिज की यूनिवर्सैलिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे मैरिज के अंदर टाइप्स क्या क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइप्स में हमारे सामने दो आती हैं। पहला बेसिस है नंबर के ऊपर, कि किसकी कितने लोगों के साथ शादी होती है,
उसे हम टाइप्स में देखेंगे। और सेकंड है रेजिडेंस, रेजिडेंस के बेसिस के ऊपर मैरिज के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले नंबर के ऊपर, नंबर में क्या आती है, मोनोगैमी। मोनोगैमी जिसमें एक पर्सन शादी करता है एक पर्सन से। उसके बाद आता है पॉलीगैमी जिसमें एक पर्सन मैरी करता है बहुत से ज्यादा पर्सन के साथ। ठीक है, पॉलीगैमी के अंदर फर्दर सब डिवीजन है, पॉलिग्नी, नेक्स्ट पॉलीएंड्री, नेक्स्ट ग्रुप मैरिज। पॉलीएंड्री के अंदर फर्दर सब डिवीजन है फ्रेटरनल एंड नॉन फ्रेटरनल। इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई वांट टू टेल यू कि जो ये सिंबल होता है ये होता है मेल का। ठीक है, ये सिंबल है फीमेल का एंथ्रोपोलॉजी में। अगर मेल और फीमेल को इस तरीके से दिखाया जाए तो मतलब क्या है, दे आर द ब्लड रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव, और वे ब्रो एंड सिस हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हैं, राइट। और अगर इनके बीच में रिलेशन दिखाया जाए ऐसा, तो इसका क्या मतलब होता है, मैरिज, मतलब उन दोनों के बीच में मैरिज है। तो अगर मुझे बच्चे और उनके पेरेंट्स को दिखाना होता, कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पे दो लड़कियां या फिर कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज अ चार्ट जो हम अपने इस मैरिज के पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम इसे यूटिलाइज करेंगे। तो पहले हमारे सामने क्या चीज आती है, मोनोगैमी। मोनोगैमी, मोनोगैमी में क्या क्या होता है कि एक मैन जो है, एक मैन शादी करता है एक वुमेन से। इसको हम बायोलॉजिकल टर्म को हटा के एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म्स की तरह यूज करते हैं इसको। एक मैन शादी करता है एक वुमेन से, ठीक है। ये भी दो तरह की होती है मोनोगैमी, कैसे, एक तो होती है सीरियल मोनोगैमी, सीरियल मोनोगैमी, दूसरी होती है जनरल। सीरियल मोनोगैमी का क्या मतलब है, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। जैसे कि अभी सपोज किसी की शादी हुई, तो अभी उनकी एक वाइफ है, उसके बाद इनकी डेथ हो गई, उन्होंने किसी दूसरे से शादी कर ली, तो अब उनकी दूसरी वाइफ है, फिर इन्होंने किसी तीसरे से शादी कर ली, फिर चौथे से, मतलब सिर्फ एक बारी में वन, एक ही पार्टनर होना चाहिए एक समय में, इसे बोलते हैं सीरियल मोनोगैमी। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये प्रचलित है, ठीक है। जनरल मोनोगैमी, जनरल मोनोगैमी में क्या कहते हैं, पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही पार्टनर रहेगा, मतलब अगर इन्होंने शादी की इनसे और इनकी डेथ हो जाती है, इफ शी डाइड, तो ये दूसरी मैरिज नहीं करेंगे, वो सिर्फ यहीं पे रहेंगे, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है। तो रामचंद्र जैसे थे, रामचंद्र जी जैसे थे, वैसे ही वो जनरल मोनोगैमी के अंदर थे। उसी तरह जनरल मोनोगैमी भी परफॉर्म की जाती है इंडिया की ट्राइब्स के द्वारा, जैसे कि भील हो गए उनमें भी परफॉर्म की जाती है, गोंड्स हो गए उनके अंदर भी ये परफॉर्म की जाती है, उनकी अंदर सब ट्राइब्स में। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोगैमी। अब कुछ जो थिंकर्स हैं जैसे कि इवोल्यूशनिस्ट, ये क्या मानते हैं कि ह्यूमन जैसे इवॉल्व हुआ है उसी तरह कल्चर भी इवॉल्व हुआ है, और इनके जो लीडर हैं वो हैं ई बी टेलर, ठीक है। ई बी टेलर क्या कहते हैं, जिस तरह से कल्चर इवॉल्व हुआ, कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है इनके हिसाब से, पहले था सावेजरी, फिर हुआ बार्बरिज्म, और फिर आया सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा कि ऐसे कल्चर इवॉल्व हुआ है इस डायरेक्शन के अंदर। उसी तरह जो मैरिज है ये भी इवॉल्व हुई है, और मैरिज का जो मोस्ट इवॉल्व फॉर्म है वो है मोनोगैमी, ठीक है। उसी तरह मोस्ट इवॉल्व फॉर्म है रिलीजन का मोनोइथिज्म, मतलब एक गॉड की जो मानना होता है, उसी तरह इन्होंने कहा कि वो सुपीरियर है और वो इवोल्यूशन के थ्रू बना है। तो इन्होंने बोला कि मोनोगैमी और मोनोइथिज्म एक तरह से इन्होंने कोरिलेट करके दिखाया सिविलाइजेशन के साथ। अब कॉजेस क्या है मोनोगैमी के, व्हाई द मोनोगैमी परफॉर्म। सबसे पहला कॉज तो आपको पता ही होगा, इकोनॉमिकल। देखिए आज के समय में लोगों के पास पैसा बहुत कम है, अगर किसी से बोले कि भाई दो शादी चार शादी कर ले, तो वो सबसे पहले ये बोलेगा भाई एक तो संभलती नहीं है, चार चार पांच पांच कैसे करें। तो इकोनॉमिकल रीजन, तो इस वजह से मोनोगैमी चल रही है। सेकंड इज द पॉपुलेशन, ठीक है। अगर एक मैन
शादी करेगा बहुत सारी औरतों से, तो उन सभी के अगर बच्चे होंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। तो उसकी बजाय लोग प्रेफर करते हैं कि वन ऑन वन रहें और कम ही बच्चे पैदा हों, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। सो दिस इज द रीजन व्हाई मोनोगैमी इज बीन प्रेफर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोगैमी के अंदर एक कुछ टर्म है जिसका नाम है प्रेफरेंशियल मेटिंग। प्रेफरेंशियल मेटिंग, प्रेफरेंशियल मेटिंग क्या होती है? इसके अंदर प्रेफरेंशियल नाम से पता चलता है किसी एक मतलब पर्टिकुलर ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर द अदर, प्रेफरेंस ओवर अदर, किसी और के ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी कि भाई आप इनसे सबसे पहले शादी कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, और ये किन किन के अंदर फॉलो होती है प्रेफरेंशियल मेटिंग? ये होती है हमारी KSK, मतलब कि खासी ट्राइब्स के अंदर, संथाल ट्राइब्स के अंदर और कदार, कादर ट्राइब के अंदर, यहाँ पे प्रेफरेंशियल मेटिंग फॉलो की जाती है। सेकंड हमारी जो आती है वो थी पॉलीगनी, पॉली गैमी। पॉलीगैमी में हमने देखा टाइप, टाइप में सबसे पहले क्या देखते हैं हम, ये भी तीन तरह की होती हैं। पहला है जनरल, जनरल पॉलीगैमी। जनरल पॉलीगैमी का मतलब कैसे होता है, एक मेल है वो कई सारी औरतों से शादी करता है, दिस इज द जनरल मोनोगैमी। ये कहाँ कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, नागा, नागा ट्राइब्स इन्हें फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जनरल के अंदर आती है बाईगैमी, नाम से ही पता चल रहा है दो, तो मतलब एक मेल मैरी करता है दो वुमेन से। ये कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, भील्स में, भील्स परफॉर्म देम। थर्ड वन इज सोरो, सोरोरेट, सोरोरेट, सोरोरेट का मतलब होता है एक की डेथ के बाद। तो जैसे कि मेल ने फीमेल से शादी की, इनकी डेथ हो गई और फिर इन्होंने किसी और से शादी कर ली, सो दिस इज सोरोरेट। ठीक है, सोरोरेट किस लिए की जाता है और ये क्या होती है, इनकी बहन होती है। ठीक है, दे टू आर दी सिस्टर्स। तो ये क्यों परफॉर्म किया जाता है, टू अवॉइड, अवॉइड ब्राइड प्राइस। ये ब्राइड प्राइस क्या होता है, वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर, बट आई एम गोइंग टू गिव यू सम हिंट। ये देखिए ऐसा होता है कि अगर हम पैसा देते हैं तो कोई सामान लेते हैं, राइट? उसी तरह मैरिज में भी एक रेसिप्रोसिटी होती है, जिसके अंदर अगर आप लड़की ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग अ लड़की गर्ल, तो आप उसके बदले कुछ चीज देते हैं उन्हें। ठीक है, चाहे वो पैसा हुआ या फिर लेबर हुआ। तो इसे बोलते हैं हम ब्राइड प्राइस, इसे बोलते हैं ब्राइड प्राइस। तो सपोज इन्होंने इसके साथ मैरिज की, तो इन्होंने इनको ब्राइड प्राइस दिया, लेकिन अब ये किसी और से अगर शादी करेंगे तो उन्हें भी ब्राइड प्राइस देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये इनकी सिस्टर है तो इन्हें ब्राइड प्राइस नहीं देना पड़ेगा। तो ब्राइड प्राइस को अवॉइड करने के लिए ये उन्हीं की सिस्टर के साथ मैरिज कर लेते हैं। सो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ पॉलीगैमी। अब हम बात करेंगे इनके रीजंस की। पॉलीगैमी के, इसके पॉलीगनी के जो हैं वो रीजंस क्या क्या हैं, राइट? सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीजंस। इकोनॉमी, इकोनॉमी मींस, देखिए ऐसा माना जाता है कि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतने ज्यादा लेबर होगी, उतनी ज्यादा लेबर होगी उतनी ज्यादा सस्टेनेंस होगी। तो ये बोलते हैं कि भाई अगर हम बहुत ज्यादा शादी करेंगे, कि एक या एक से ज्यादा औरतों के साथ शादी करेंगे, तो हमारे उतने ज्यादा लेबर होगा, उतने ज्यादा हमारे पास बच्चे होंगे। और ये कहाँ पे प्रिवेलेंट होगा, अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर क्यों भाई, वहां पे हमें पता है कि जो रीजन है इक्विटोरियल रीजन है, वहां पे हार्डवुड होता है, मतलब बहुत सारी चीजें उनको क्लियर करना पड़ता है, लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है उसके लिए, दैट्स वाई दे परफॉर्म दी पॉलीगैमी, राइट? दूसरा इसका रीजन क्या हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। पॉलिटिकल रीजन कैसे, कि जैसे कुछ लोग हैं जो स्टेटस के लिए यूज करते हैं, स्टेटस, जैसे कि नागा, जबकि कुछ जो हैं वो वॉरियर ट्राइब्स होती हैं, उनके अंदर लोगों की जरूरत पड़ती रहती है, तो उनके लोग मरते रहते हैं और उन्हें दूसरे चाहिए, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन एक्सपेंड करनी पड़ेगी, दैट्स वाई उन्हें क्या चाहिए, पॉलीगैमी, उनके पास पॉलीगैमी का सिस्टम है। तीसरा है सोशल इश्यूज, सोशल रीजंस, सोशल रीजंस की वजह से, जैसे कि इंडिया के अंदर एक प्रिवेलेंट सिस्टम है अनुलोम और प्रतिलोम का, जिसको हम बोल सकते हैं हाइपरगैमी, हाइपरगैमी,
एंड मोनोगैमी, हाइपरगैमी एंड हाइपोगैमी। हाइपोगैमी, हाइपरगैमी का मतलब होता है अनुलोम और हाइपोगैमी का मतलब होता है प्रतिलोमा। प्रतिलोमा, अनुलोम और प्रतिलोम क्या मतलब क्या होता है, वी विल गोइंग टू टॉक यू इन लेटर, बट अभी सिर्फ ये बता देते कि हाइपरगैमी एक्सेप्टेड होती है सोसाइटी के अंदर और हाइपोगैमी एक्सेप्टेड नहीं होती है सोसाइटी के अंदर। तो कुछ सोशल इश्यूज की वजह से भी लोग हाइपरगैमी को जो है वो प्रिफर करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताई देता हूँ कि ये हाइपरगैमी और हाइपोगैमी का सिस्टम क्या है। इंडियन कल्चर के हिसाब से देखिए, हमारे यहाँ पे सपोज ये मेल है और ये फीमेल है, राइट। इनके सामने क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इनके सामने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमारे रिचुअल्स के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से, उनके हिसाब से क्या बोलते हैं कि जो हायर कास्ट का मेल है वो अपने इक्विवेलेंट या लोअर कास्ट के किसी भी फीमेल से शादी कर सकता है। तो मतलब ब्राह्मण के पास, मेल के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। शूद्र के पास कितनी है, वन, टू और थ्री, और वैश्य के पास वन और टू, और शूद्र के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो अब ये बताइए सोच के कि इन सभी की तो मैरिजेस हो जाएगी लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो गर्ल है, यहाँ पे जो गर्ल होगी उसके पास क्या ऑप्शन होगा, गर्ल्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगी ब्राह्मण कास्ट की, तो अब उनके पास क्या होगा, अगर उनके पास पैसा नहीं है, इफ दे डोंट हैव द मनी, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब एक साध्वी का जीवन बिताना पड़ेगा, चेस्ट लाइफ, ठीक है। तो उन्हें मतलब एक साध्वी बनना पड़ेगा। और अगर गर्ल के पास पैसा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, डाउरी देगी, दहेज देगी, ठीक है, बहुत ज्यादा। और अगर नहीं है तो उसे चूज करना पड़ेगा पॉलीगैमी, मतलब बहुत सारी वाइफ और एक उनका हस्बैंड। तो इस तरीके से ऊपर की जो स्ट्रक्चर है इनकी, इनकी इनके अंदर क्या होता है, पॉलीगैमी। उसी तरह यहाँ पे शूद्राज हैं, ठीक है, इनकी, इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ एक ही जो है फीमेल से शादी कर सकते, जबकि इनकी फीमेल के साथ कोई भी शादी कर सकता है। तो इनके पास क्या होगी, फीमेल की स्कैरिटी होगी, फीमेल की स्कैरिटी होगी, ठीक है। तो बदले में इन्हें फीमेल के बदले क्या देना पड़ेगा, बहुत ही हैवी ब्राइड प्राइस, या तो ये ब्राइड प्राइस दो बहुत हैवी, ठीक है, या फिर ये पॉलीएंड्री के साथ जिए। पॉलीएंड्री मीन्स कि बहुत सारे वो हों आपके, पॉलीएंड्री का मतलब आपको मैं डायग्राम से बता देता हूं कि ये एक वुमेन जो है वो शादी करती है काफी सारे आदमियों से, तो ये इनके पास ऑप्शन बचता है। सो जो ये अलाउड है पोर्शन, इसे बोलते हैं हम हाइपरगैमी, हाइपरगैमी। और जो लोअर पोर्शन बचता है हमारे पास, जिनके पास कम अपॉर्चुनिटीज बचती हैं, हाइपोगैमी। हाइपोगैमी मीन्स आप ऊपर के किसी भी स्ट्राटा के साथ शादी नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी जो फीमेल हैं ये कर सकती हैं, लेकिन इधर मेल ऊपर के स्ट्राटा के साथ, ऊपर की फीमेल्स के साथ मैरिज नहीं कर सकते। सो हाइपोगैमी, दिस इज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। सो सोशल इश्यूज की वजह से भी हाइपरगैमी, पॉलीगैमी जो है वो प्रिवेलेंट है, पॉलीएंड्री जो है वो प्रिवेलेंट है। तो अभी तक हमने देखा पॉलीगैमी के बारे में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द पॉलीएंड्री, राइट। पॉलीएंड्री मैंने आपको पहले बता दिया, पॉलीएंड्री का मीन्स क्या है कि एक वुमेन ज्यादा आदि मतलब मेन के साथ शादी करती है। इसमें अगर हम देखें तो टाइप्स, टाइप्स क्या हैं इसके, फ्रेटरनल, नॉन फ्रेटरनल, फैमिलियल, और इन दोनों का कॉम्बो, मतलब पॉलिगनी एंड पॉली एंड्री, राइट। फ्रेटरनल, फ्रेटरनल मीन्स ये जैसे कि भाई हैं सारे आपस में, इन सभी भाइयों के साथ एक वुमेन मैरी करती है, दिस इज दी फ्रेटरनल। नॉन फ्रेटरनल मीन्स कि ये भाई नहीं है और इनके साथ वुमेन जो है वो मैरी करती है। फैमिलियल मीन्स जो फादर एंड सन है, फादर एंड सन मैरी टू सेम गर्ल, दिस इज द फैमिलियल
पॉलीएंड्री कॉम्बो, जिसके अंदर पॉलिग्नी और पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री दोनों के दोनों होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक वुमेन ने मैरिज की, तो देखो इसमें क्या है, पॉलीएंड्री मतलब जो ये वुमेन है इन्होंने इनसे भी शादी की और इनसे भी शादी की, ठीक है। तो ये क्या हो गई, पॉली एंड्री। और पॉलीगैमी मतलब एक मेल जो है उसने इससे भी शादी की और उसने इससे भी शादी की, इन्होंने इससे भी शादी की और इन्होंने इससे भी शादी की। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द पॉलीगैमी। तो ये होता है कॉम्बो इन दोनों का, राइट। अब रीजंस देखेंगे हम, रीजंस कि रीजंस क्या है पॉलीएंड्री परफॉर्म होने के। रीजंस के अंदर इकोनॉमिक रीजन, इकोनॉमिक रीजन, इकोनॉमिक रीजन में एग्जांपल्स हम लेंगे तिब्बतन ट्राइब्स का, तिब्बतन ट्राइब्स, खासा ट्राइब, ठीक है। इनमें क्या होता है कि देखो तिब्बत मतलब कि ये माउंटेन के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैंड बहुत ही स्केयर होती है। तो सपोज अगर एक ये लैंड है उसके चार बेटे हुए, उन्हें चारों में बांट दी, फिर उनके दो दो बेटे हुए, फिर उन्होंने उनमें बांट दी, तो लैंड का फ्रेगमेंटेशन इतना हो जाएगा कि लेबर हो ही नहीं पाएगी। तो इनमें क्या करते हैं कि चार भाई मिलके या तीन चार जितने भी हैं ब्रदर्स, वो मैरिज करते हैं एक वुमेन से और बच्चे होते हैं, तो वो डिवाइड नहीं होता उनकी लैंड, वो सिर्फ एक ही फैमिली की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, नो लैंड फ्रेगमेंटेशन। सो दीज आर द इकोनॉमिक रीजन। सेकंड इज द रिलीजियस, रिलीजियस रीजन। रिलीजियस रीजन के अंदर क्या है, जैसे कि टोडा, टोडा ट्राइब के अंदर फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, इन्फेंटिसाइड फीमेल को मार दिया जाता था, तो फीमेल्स की स्कैरिटी होगी। अब जब फीमेल्स की स्कैरिटी होगी तो बहुत सारे लोगों को एक ही फीमेल से काम चलाना पड़ेगा, तो ये था रिलीजियस रीजन। नाउ थर्ड इज द पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन। इसमें क्या बात होती है, नायर जो ट्राइब है, नायर ट्राइब वो वॉरियर ट्राइब है, दे आर दी वॉरियर ट्राइब। अब क्या होता है, वॉरियर ट्राइब के अंदर मतलब मेल बाहर जाते हैं लड़ने के लिए और दे गॉट डाइड, तो उनको उनके जो पास सिस्टम होता है वो है विजिटिंग हस्बैंड का, मतलब उनके हस्बैंड मरते रहते हैं और देख आते रहते हैं, तो विजिटिंग हस्बैंड। वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट देम लेटर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो विजिटिंग हस्बैंड का इनके पास कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फादरहुड का, कि हु विल बिकम द फादर, फादर कौन बनेगा, इनके अंदर जो बच्चा पैदा हुआ उसका फादर कौन बनेगा। तो अगर वो फैटरनल है, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो है कौन बनेगा, इनका एल्डेस्ट ब्रदर, एल्डेस्ट ब्रदर जो भी सबसे बड़ा भाई है इनमें से, वो उस बच्चे का, चाहे वो किसी का भी हो, वो उसका फादर कहलाएगा। और जो टोडा है, जो टोडा है इनके अंदर फादर कौन कहलाते हैं, जो बो एंड एरो सेरेमनी करते हैं, बो एंड एरो सेरेमनी, जो भी बो एंड सेरेमनी परफॉर्म करता है, जो भी भाई बच्चे के नाम का, तो वो उसका फादर बनता है। नायर ट्राइब्स के अंदर विजिटिंग हस्बैंड, विजिटिंग हस्बैंड बिकम्स दी फादर, कोई भी विजिटिंग हस्बैंड हो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, लेकिन जो भी विजिटिंग उस हस्बैंड उसका करंट का होगा, वन ऑफ देम विल गोइंग टू एक्सेप्ट, और वो मान लेंगे कि हाँ ही और शी इज माई बेबी, और क्वेश्चन ऑफ फादरहुड हैज बिन सॉल्व। अब बात करते हैं हमारी, हमने देख लिया अभी तक मोनोगैमी, राइट, पॉलिग्नी, और थर्ड देखेंगे हम ग्रुप मैरिज। नाम से पता चल रहा है दो ग्रुप्स होंगे, ठीक है, एक में खूब मेल 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 मेल, एक में फीमेल 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 फीमेल, ठीक है। तो इन ग्रुप्स की आपस में मैरिज होगी, तो इसे बोलते हैं ग्रुप मैरिज, सिंपल सी बात है। अब ये ग्रुप मैरिज क्या है, ऐसा बोला जाता है इवोल्यूशनिस्ट जो हैं, इवोल्यूशनिस्ट जो हैं, जो ऐसा मानते हैं कि हर कुछ इवॉल्व हुआ है, वो कहते हैं ग्रुप मैरिज जो है वो सबसे पहली मैरिज है। तो इन्होंने नाम दिया इसे प्रिमिस, प्रिमिटिव, प्रोसमिस, प्रोमिस्कुअलिटी फॉर सेक्सुअल कम्युनिज्म, ठीक है। इनके अंदर एल एच मॉर्गन है, एल एच मॉर्गन, दे ऑल्सो सेड इट इज द अर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज, अर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज, राइट। एल एच मॉर्गन के अलावा जो डब्ल्यू एच आर रिवर्स हैं,
रिवर्स क्या कहते हैं, उन्होंने स्टडी की मार्क्वेसियंस ऑफ पॉलिनेशिया, वहाँ पे उन्होंने सेम टाइप के मैरिजेस होते हुए मिले, सो दिस वी कैन यूज एज एन एग्जाम्पल। और ये ग्रुप मैरिजेस होती क्यों हैं, रीज़न क्या है इसका? रीज़न सिंपल है, डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो एक ग्रुप अगर दूसरे ग्रुप से मैरिज करेगा तो जो बच्चे होंगे वो काम अच्छा करेंगे, और साथ ही में डिवीज़न ऑफ लेबर किसका होगा, चाइल्ड केयर, चाइल्ड की अच्छी तरीके से देखभाल हो जाएगी, चाहे कोई भी किसी का भी हो उसमें कोई इश्यूज नहीं है। और दूसरा इकोनॉमिक सबसिस्टेंस, सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इकोनॉमिक सबसिस्टेंस ईजी हो जाएगी, राइट? सो दिस इज अबाउट दी मैरिज के टाइप्स क्या क्या हैं। अब इसके अंदर हम बात करें कंक्लूजन की, हाउ वी कुड राइट द कंक्लूजन ऑफ द मैरिज टाइप। देखिए, मैरिज को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैरिज इज अ यूनिवर्सल बायोफिजिकल फिनोमिना, बायोफिजिकल फिनोमिना जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। और आजकल के समय में मोनोगैमस जो मैरिजेज हैं, मोनोगैमस मैरिजेज जो हैं वो मोस्ट कॉमन हैं, राइट? सो दिस इज हाउ यू शुड राइट द कंक्लूजन। तो ये तो था हमारे मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। अब देखते हैं मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, रेजिडेंस के हिसाब से मैरिज के कितने टाइप्स हैं, राइट? तो सबसे पहला हम देखेंगे वो है पैट्रिलोकल, नाम से पता चल रहा है, अगर पिता के पास रहेगा तो पैट्रिलोकल, और अगर डिसेंट अदर है, इफ डिसेंट इज अदर देन पैट्रिलिनियल, तो उसे हम बोलते हैं वीरी लोकल, राइट? वीरी लोकल। नेक्स्ट इज मैट्री लोकल, हमें पता है मदर के पास रहते हैं तो मैट्री लोकल, और इसके अंदर दो पोर्शन आते हैं, अगर मामा के पास रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एवेंक्यू लोकल, मदर के नहीं, मतलब उसके मामा के पास, बच्चों के मामा के पास या मदर के भाई के पास रहते हैं तो एवेंक्यू लोकल, और मदर के ही पास रहते हैं तो नेटो लोकल। एग्जाम्पल नायर्स और टॉरबिंडर, टॉरबिंडर आइसलैंडर्स, अशांति, अशांति जो ट्राइब है घाना के अंदर, दे फॉलो द सेम ट्रेंड। नाउ थर्ड इज मैट्री पैट्री, मैट्री पैट्री, और जो इसका अपोजिट होता है मैट्री लोकल के अंदर, उसे बोलते हैं यूरोक्सी लोकल, ठीक है, यूरोक्सी लोकल। मैट्री पैट्री, नाम से पता चल रहा है, पहले माँ के पास रहेंगे बाद में पिता के पास रहेंगे, इंडिया की जो सारे के सारे मेजर ट्राइब्स हैं दे फॉलो सच पैटर्न, ठीक है। फोर्थ बाई लोकल, बाई लोकल मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्रिटिश ट्रेडर्स जो हैं उनका हम एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, ब्रिटिश ट्रेडर्स, इसका मतलब ये है कि एक बार वे माँ के पास शिफ्ट होते रहते हैं मैट्री लोकेलिटी में, फिर वे दोबारा पैट्री लोकल, फिर वे दोबारा मैट्री लोकल, फिर वे दोबारा पैट्री लोकल, तो कीप शिफ्टिंग, उसे बोलते हैं बाई लोकल। फिफ्थ इज एमबी लोकल, एमबी लोकल, एमबी लोकल मीन्स इनके अंदर भी इसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होती है चॉइस, कि आपको चूज कीजिए कि आपको मैट्री लोकेलिटी चाहिए या पैट्री लोकल, पिता के पास रहेंगे या माँ के पास रहेंगे, तो चूज एनी वन, तो एमबी लोकल, राइट? नाउ द लास्ट वन इज न्यू लोकल, न्यू लोकल, न्यू लोकल जैसे कि नाम से पता चलता है नई चीज है ये, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो ना माँ के पास रहते हैं ना पिता के पास रहते हैं, जहाँ पे हमें पैसा मिलता है वहाँ पे जाके हम रहते हैं, तो दिस इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से न्यू लोकेलिटी का जन्म हुआ है। सो दीज आर द टाइप ऑफ रेजिडेंस। अब देखते हैं इन रेजिडेंस के टाइप्स की रीजंस क्या क्या है, क्या क्या रीजंस हैं कि हमें ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है। फर्स्ट इज द सोशल रीजन, सोशल के अंदर क्या होता है, ब्राइड प्राइस, अगर हमें ब्राइड प्राइस देना है तो हमें कहाँ पे रहना पड़ेगा, मैट्री लोकेलिटी के अंदर, मैट्री लोकेलिटी, राइट? मैट्री लोकेलिटी के, जैसे कि ये सपोज आई थिंक यू हैव ऑल अंडरस्टूड कि मैट्री लोकेलिटी में क्यों रहना पड़ेगा, क्योंकि उसी की मदर से तो हम बेटी को लेके आ रहे हैं अपने घर पे, तो रिवर्स में क्या देंगे उन्हें, ब्राइड प्राइस, तो ब्राइड प्राइस उनके घर पे रह के देते हैं या ब्राइड सर्विस करते हैं, तो मैट्री लोकेलिटी वहाँ पे ज़्यादा कॉमन होती है।
सेकंड इज इकोनॉमी। इकोनॉमी यहाँ पे हमारे एक थिंकर आते हैं मडरॉक। मडरॉक क्या बोलते हैं अपनी, उन्होंने एक बुक लिखी कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन एंड वुमेन। मडरॉक ने इसके अंदर लिखा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन एंड वुमेन के अंदर कि प्रेस्टीज जो है वो शिफ्ट करती है। देखो इन्होंने ये बताया कि जो हंटर गैदर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि 75% जो वर्क है वो वुमेन करती हैं, लेकिन फिर भी पैट्रिलोकैलिटी जो है वो फोकस की जाती है। क्यों? क्योंकि जो हंटिंग जो है वो काफी डेंजरस प्रोफेशन है और हंटिंग जो है वो मेल करते हैं। सो दिस इज वाई। नाउ थर्ड रीजन इज टाइप ऑफ इकोनॉमी। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, जहां पे पैसा ज्यादा है वहीं पे लोग शिफ्ट हो जाते हैं। दिस ट्रेस टू द नियो लोकैलिटी, राइट। फोर्थ वन इज पॉलिटिकल रीजन। यहाँ पे हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं, हमारे एम्बर एंड एम्बर। इन्होंने क्या बोला कि कॉन्स्टेंट वॉरफेयर होता है, ठीक है। अगर लड़ाई रहती है तो वो, अगर लड़ाई मदर की फैमिली के पास है तो भाई मैट्रिलोकैलिटी, फादर की फैमिली के पास है जियोग्राफिकली तो पैट्रिलोकैलिटी। सेकेंड आर द वॉरियर्स, वॉरियर ट्राइब, जैसे कि नायर। नायर जो है वो वॉरियर ट्राइब होती है। तो उसमें क्या है, लोग बाहर जाते हैं, मेल जो हैं वो बाहर जाते हैं और देखो डाइड, तो उन्हें जो वुमेन है वो हस्बैंड या फादर के वहां पे ना रह के अपनी मदर के पास रहती हैं, तो मैट्री लोकैलिटी यहाँ पे प्रेफर की जाती है, राइट। तीसरा है, पांचवा है सॉरी, डेमोग्राफी। मतलब अगर कहीं पे भूस्खलन आ गया या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो उसके हिसाब से भी लोग अपने रेजिडेंस को शिफ्ट करते हैं, जैसे कि ब्रिटिश कोलंबियन का हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ब्रिटिश कोलंबियन का हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रेजिडेंस जो है ना, रेजिडेंस वो लोग ऐसे ही नहीं लेते हैं। रेजिडेंस इज ऑल्सो अ कल्चर रूल, राइट। आई होप आपको रेजिडेंस के बेसिस के ऊपर और नंबर के बेसिस के ऊपर टाइप्स ऑफ मैरिज समझ में आया होगा। तो दिस इज फॉर आवर टुडे सेशन, सो थैंक यू वेरी मच।